The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So गाइस जो लोग चाहते हैं कि उनका चश्मे का नंबर कम हो जाए और एक्चुअली क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि चश्मे का नंबर कम हो सकता है तो वो एक लाइफस्टाइल है. देखिए चश्मे का नंबर आपका बदलता है जब आपकी आंख का शेप बदलता है. मान लीजिए ये आपकी आंख है तो आंख के शेप जो शेप उसका राउंड होना चाहिए था ये इसको राउंड समझ लीजिए. राउंड शेप की जगह वो इलॉन्गेट हो गया. अगर वो लंबा हो गया तो चश्मे का नंबर बदल जाता है. अगर वो छोटा हो गया तो चश्मे का नंबर बदल जाता है. अब आँख को लंबा और छोटा करने वाली चीज़ें कौन है? आँख को लंबा और छोटा करने वाली चीज़ें ये स्ट्रेस है, ये आँखों का अंदर जो मसल्स हैं वो है, और आँखों के अंदर जो नंबर आता है वो सिलेंड्रिकल नंबर भी आता है. वो सिलेंड्रिकल नंबर जो है वो अंदर ही अंदर के जो रेटाइना के ऊपर सेल्स हैं उनकी हेल्थ है. सो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? आपके अंदर आपको चाहिए भरपूर मात्रा में विटामिन ए, तो कैरोटीनॉइड्स, रेटिनॉइड्स, ये सब नेचुरल सोर्सेज जितने भी हैं, कैरट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब आपको दबा के खाने चाहिए. और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सपोजर टू ब्लू लाइट, एक्सपोजर टू योर स्क्रीन्स, टीवी स्क्रीन्स, मोबाइल स्क्रीन्स, लैपटॉप स्क्रीन्स, अलॉट ऑफ लाइट्स. सीधा सीधा लाइट को डायरेक्टली नहीं देखना है. फ़ोन को भी जितना दूर रखेंगे उतना बेहतर है. फ़ोन ऐसे करके रात को बिल्कुल नहीं करना है, दूर रख लीजिए, दूर रखो कोई बात नहीं, थोड़ा दूर रख के अपना ब्राइटनेस अपना कम करके, जितनी मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो ब्राइटनेस को जितना कम रखोगे, कहा गया ये मैक्सिमम ब्राइटनेस रख के कभी अपने आँख की ऐसी तैसी नहीं करना. ब्राइटनेस जितना कम रखोगे उतना बेहतर है, जितना आपको पढ़ पाए, बस थोड़ा सा रख लो जितना पढ़ पाए. जब अंधेरे में हो तो बिल्कुल ब्राइटनेस कम कर दीजिए. जी हाँ, इसको बिल्कुल, बल्कि ब्लैक वाली थीम ले लीजिए, ब्लैक वाली थीम ले लो यूट्यूब की, इसकी उसकी एकदम ब्राइटनेस कम करके पढ़ेंगे उतना बेहतर है. दिस इज वेरी वेरी मेजर थिंग, बहुत बड़ी चीज़ है ये. इसके अलावा आईज की एक्सरसाइज, द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर आई इज टू लुक एट ग्रीनरीज, दूर से ग्रीन को देखना है. जी हाँ, अगर आपके घर के बाहर गार्डन है, बहुत दूर है, कोई पेड़ पौधे हैं कुछ है, तो खिड़की खोलिए और बीच में हर थोड़े देर में, आधे घंटे में, एक घंटे में, दो मिनट के लिए नज़र वहाँ लेके जाइए. आईज़ को रिलैक्स करिए, दो मिनट के लिए आँख को ज़ोर से बंद करिए, आँख को रिलैक्स करके खोलिए. ये सब करना ज़रूरी होता है. और साथ में आपने क्या करना है, आपने आईज़ की एक्सरसाइज के लिए आईज़ को थोड़ा रोल कर सकते हैं. आप आईज़ को ऊपर नीचे, आजू बाजू, गर्दन को रोल अप करना है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना है, डिहाइड्रेटेड नहीं रहना है. सोच के देखो, आपका डिहाइड्रेशन से, पानी कम पीने से, अगर आपकी खुद की मांसपेशियां, पैर में आपके नस लगने लग जाती है, मसल क्रैम्प्स होने लग जाए, बॉडी में मसल क्रैम्प, तो आईज की छोटी सी प्यारी सी मसल जो इतनी ज़्यादा काम करती है, यहाँ भी देखती है, यहाँ भी देखती है, लगा वहाँ देखती है, लगा वहाँ देखती है, उनमें भी क्रैम्प्स आ सकते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है. सो डिहाइड्रेट नहीं होना है, पानी खूब मात्रा में पीना है, विटामिन बी होना चाहिए, वेजिटेरियन है तो B12 का सप्लीमेंट लो, ओमेगा 3 होना ज़रूरी है, फिश ऑयल्स बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 2.5 घंटा एवरी वीक. ये छोटी बातें नहीं है, एवरी सिंगल पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट. एंड आईज प्रॉपर वेट होनी चाहिए, वेट मतलब अगर ड्राई आई है तो फिर आपको टीयर ड्रॉप सेल्स या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना है. एंड एवरी 6 मंथली आप या 3 मंथली आप अपना आई चेकअप कराइए, ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है. और अगर नंबर है, चश्मा है, तो चश्मा हमेशा पहनना है. चश्मा पहने बगैर काम चलता है क्या? मेरा भी चलता है, लेकिन पहनो, पहन लेना बेहतर है. तो पहन लेने से आईज पे स्ट्रेन नहीं आता है, अकोमोडेशन यूज़ नहीं करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स है आईज़ का नंबर करेक्ट करने या ना बढ़ने देने का. या दो उद्देश्य है, एक उद्देश्य यह है कि बढ़े ना, कई लोगों के नंबर बढ़ते ही जाते हैं, बंद ही नहीं होते ना, रुकते ही नहीं है, कई लोगों के नंबर रुक जाते हैं, फिर ठीक रुकें, उसके लिए भी ये करना पड़ेगा. और सबसे बड़ी चीज़ है रेस्ट, आईज़ को रेस्ट देना है. रात को 8 से 9 घंटे की नींद चाहिए, 8 से 9 घंटे की नींद, भाई साहब 8 to 9 hours की नींद चाहिए आईज़ को, वो आपको ज़रूरी देना है. 6 hours नींद इज नॉट इनफ, 6 hours आँख के लिए ठीक नहीं है, स्ट्रेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बाहर धूल मिट्टी, गर्म हवा, ठंडी हवा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सो मच स्ट्रेस. मेक श्योर कि आप ये सारे पॉइंट्स लिख के फॉलो करें, नहीं अगर आपने लिखे हैं तो पेन लेकर आओ और वापस रिवाइंड करके फिर से देखो और लिखो,
और फॉलो करो, आंख पे फायदा होगा और बहुत फायदा होगा, ठीक है। रिमेंबर टू डू ऑल दीज थिंग्स और बाकी तो ऑल इज वेल।